कहाँ से शुरू करें? यह सही है, मुझे अपने घर को लाल रंग में रंगना है। यह अच्छा है कि मेरे पास इसके लिए एक विशेष स्पंज है। ये निशान ईंटों की तरह दिखते हैं। मेरे पास सबसे अच्छा डिजाइन होगा। हाँ, लड़कियों को जलन होगी। अभी भी थोड़ा बाकी है। ओह बढ़िया, इसे देखो, तुम्हें यह कैसा लगा? मेरा घर मेरी तरह ही परफेक्ट है। ओह, मैं अपने गेम की तरह घर की डेकोरेशन करना पूरी तरह से भूल गया। मैं अपने घर को चारों ओर घास से सजाऊंगा। हाँ। ओह रुको, गोल खिड़की? यह मेरा स्टाइल नहीं है। चौकोर बहुत सही रहेगा। और यहाँ एक दूसरी खिड़की होगी। बढ़िया। और थोड़ा बारीक काम और मेरा घर चमकने लगेगा, एकदम शानदार। हाँ, अब मेरी छत का क्या? वो अभी भी सफेद है, ऐसे नहीं चलेगा। अब मैं अपने सुपर चेनसॉ के साथ सब कुछ ठीक करने जा रहा हूँ। ओह कितना दर्द है, मेरा अभी तक नहीं हुआ है। ओह, ऐसा, अब यह सही है। अब हम एक फैशनेबल छत बना सकते हैं। ओह समुद्र की लहर का रंग, ये बिल्कुल फिट बैठता है। हाँ देखो, और अब मैं अपने स्टिकर का उपयोग करने जा रहा हूँ। हाँ, तुम्हारा क्या कहना है? है ना ये अच्छा आइडिया? ओह चलो, यह सबसे अच्छा है। अब केवल छत पर फ्लैशलाइट और एक ब्रिक चिमनी बनाना ही बचा है। इधर आपके सामने प्रस्तुत है मेरे सपनों का घर। वाओ, लगता है केन ने बहुत अच्छा किया है। मुझे भी करना होगा। मेरे पास एक आइडिया है। सबसे पहले मुझे एक आर्टिस्ट के ड्रेस की जरूरत होगी। मैं कैसी दिख रही हूँ? मुझे कौन सा रंग चुनना चाहिए? यह शेड अच्छा रहेगा। काम पर लग जाओ बार्बी। अब मुझे खिड़कियों को पेंट करना होगा। मैं उन पर दिल लगाऊंगी। वाह कितना प्यारा, मुझे ये बहुत पसंद है। और छत को भी इसी रंग का रहने देती हूँ। बहुत सुंदर, लेकिन किसी चीज की कमी है। हाँ, अब मैं घर के आसपास की जमी की देखभाल करना भूल गई। माली की ड्रेस पहन लेती हूँ। चलो यहाँ पर शानदार पौधों को उगने दो। हमें बस इसे पानी देना है। तारा, वाह कितना सुंदर फूल। अब मेरी साइट पर हमेशा एक स्वादिष्ट ताजा सुगंध होगी। यह अच्छा निकला। केवल छत थोड़ी खाली है। मेरी प्रोफाइल डेकोरेशन की मुख्य विशेषता होगी। अरे नहीं, मुझे पकड़ो, मैं गिर रही हूँ। उफ, ये ठीक है, मैं ठीक हूँ। ठीक है, केवल मेरे कपड़े गंदे ना हुए हो। चलो बढ़िया, मेरा घर शानदार तैयार हुआ है। क्या यह एक शानदार घर है? मुझे हंसाओ मत। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि शब्द का क्या अर्थ है। दुश्मनों को डराने के लिए घर काला और फायर प्रूफ होना चाहिए। क्या उसका घर जलेगा नहीं? छुप जाओ। ओह वाओ, बिल्कुल, अब इसकी बात अलग है। मेरी जादुई किताब कहाँ है? मैं खुद सारे काम नहीं करने वाली हूँ। ज़ॉम्बीज़ को बुलाओ, मेरे लिए अंधेरे का दास। मुझे किसने बुलाया? मैं आ रहा हूँ मैडम। आप क्या चाहती हैं मिस वेंसडे? यह प्रोटेक्टिव हेलमेट पहन लो, तुम घर को सजाने वाले हो। मेरा ध्यान रखने के लिए धन्यवाद मैडम, आप जैसा कहें। मेरे हाथों ने बहुत दिनों से ड्रिल नहीं पकड़ा है। हाँ, यहाँ पर कैंडल रखा जाएगा। आपको यह कैसा लग रहा है मैम? यहाँ पर खिड़की लटकाऊं? बाईं ओर बेवकूफ, इस इधर? सुपर, मैं आपकी बात समझ गया। अद्भुत पसंद, तुम अच्छे हो, तुम एक गमिया खा सकते हो। ओ धन्यवाद, मुझे यह बहुत पसंद है। स्वादिष्ट। बुरा नहीं है, लेकिन यह बेहतर हो सकता है। अब मेरे घर को तरोताजा करने और चमगादड़ को रखने का समय है। आगे बढ़ो, तुम इन दीवारों को सजाओगे। बढ़िया,
फाइनल टच और मेरा घर तैयार हो गया है। ओ हाँ, धन्यवाद थिंग, ये एक अच्छा आइडिया है। यह सबसे अच्छा घर है। यह हरे घास अच्छे नहीं है। मुझे अपने प्लॉट को पोषण के साथ सजाने की जरूरत है। सूखी हुई धरती, मुरझाए हुए पेड़ और पूर्वजों की कब्रों वाला कब्रिस्तान, इससे बेहतर क्या हो सकता है? बढ़िया है। फाइनल टच मोमबत्तियों से सजाया गया रास्ता है। अब मैं खुश हूँ। क्या ये असली कब्र है? अरे कोई अतिक्रमण नहीं। मुझे बचाओ। हैन, तुमने मुझे डरा दिया। मैंने जानबूझकर नहीं किया। यह सब वेंसडे की खोपड़ी की वजह से हुआ है। मैं अपनी जगह पर जा रहा हूँ। हाँ, यह आदमी बहुत फनी है। इसमें ऐसा क्या है? यह सजावट बहुत डरावना और उदास है। मैं कुछ और सोचूंगी। मुझे पता है, यहाँ बालू रहने देती हूँ। यह नरम और दिखने में अच्छा रहेगा और यह वही है जो मेरी साइट के लिए जरूरी है। वाह, अद्भुत। मैं थोड़ा और डाल देती हूँ। बढ़िया, अब हमें पेड़ों को चुनना होगा। हाँ, ऐसा नहीं, यह भी नहीं। मैं पाम ट्री को लगाने की कोशिश करूंगी। वाह कूल, बिल्कुल किसी सी बीच की तरह। अब जो कुछ की भी कमी है वह यहाँ के लिए उपयुक्त कुर्सी और मेरी ड्रेस है। और तुम्हें यह कैसा लग रहा है? मैं कैसी लग रही हूँ? तो पेड़, क्या तुम मुझे नारियल दोगे? धन्यवाद। वाह क्या दिव्य सुगंध है, मुझे नारियल पानी बहुत पसंद है। स्वादिष्ट। मैं बाढ़ के बारे में भूल गई। गुलाबी मुझे सूट करता है। हाँ, और आप इधर भी। मेरा सब तैयार है। मैं अपने घर से बहुत खुश हूँ। वाओ, क्या डिजाइन है। मैं भी अपने प्लॉट को डेकोरेट करना चाहता हूँ। मेरा हथौड़ा कहाँ है? चलो चलते हैं। हाँ, यह बहुत अच्छा है। ओह, यह क्या है? तुम मेरे एरिया में क्या कर रहे हो? मैं सब समझ गया। सब कुछ स्पष्ट है। यह डरावना नहीं है। देखो, यह डरावना नहीं है। अरे मेमने, यहाँ आओ। यह तुम्हारा नया दोस्त है। एक दूसरे का ख्याल रखना। ओह, झाड़ी पूरी तरह से उगाई है। हम इसे ट्रिम करने की जरूरत है। यह अच्छा है कि मेरे पास एक प्रूनर है। बढ़िया काम। मुझे बस एक बार बनानी है ताकि वेंसडे के कब्र के दोस्त मुझे परेशान ना करे। हाँ। यह क्या है? मुझे इसकी आदत नहीं है। मैंने अपना बेस्ट किया। ये। चलो वेंसडे, चलो डांस करें। मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है। ये मेरे घर को अंदर से सजाने का समय है। जादुई आंख, मेरा ऑर्डर मानो। सभी सफेद को काला कर दो। अच्छा किया, बॉक्स में वापस जाओ। रिश्तेदारों के चित्र उपयोगी होंगे। मम्मी, पापा, चाचा और भाई। किसी चीज की कमी है। यह सही है, मैं थिंग के बारे में भूल गई थी। मैं इन पंजों से उसे सरप्राइज कर दूंगी और मैं अपने लिए एक संदूक रखूंगी। यह जादू की किताब रखने के लिए जगह होगी और ये खोपड़ी अनुष्ठानों के लिए सही मूड बनाएगी। केवल एक चीज की कमी है, कोने में एक बेड साइड टेबल की, जिसमें डायनासोर के पंजे से बने स्टैंड पर लैंप होगा। आखिरकार अब हम काम पर लग सकते हैं। जरा देखो कितना बढ़िया है। ये मेरी दादी ने मुझे दिया था। अब मकड़ियों को बुलाती हूँ। उन्हें दीवार पर जाले बनाने दो।
लाइट। शाबाश, इस तरह बैठने में आराम नहीं लगेगा। एक नरम कुर्सी मेरे लिए कोई बुरा नहीं होगा। बिल्कुल असली मकड़ी के जाले की तरह। अब मैं खुश हूँ। वाओ, वेंसडे ने अपने घर को अंदर से सजा लिया है। और मेरे बारे में क्या? ओह, आगे बढ़ो केन। मुझे सफेद रंग बहुत पसंद है, लेकिन ये स्पष्ट रूप से बहुत अधिक है। ऐसे नहीं चलेगा। दीवारों को पेंट करना होगा। मैं समुद्र की लहर के रंग से शुरू करूँगा। यह अच्छा बनता है और भूरे रंग के साथ अच्छी तरह से चला जाता है। और जाहिर है हरा। वाह, ये बहुत अच्छा है। ये मेगा कूल है। लेकिन फर्श अभी भी कड़ा है। उस पर कुछ नरम और अच्छा रखना जरूरी है। वाह, बढ़िया। और अब एक सोफा भी डाल देता हूँ। नहीं, इसे इधर थोड़ा करना सही रहेगा, ताकि दोनों ओर बराबर जगह हो। और यहाँ आर्मरेस्ट है। हाँ, जब बार्बी मुझसे मिलने आएगी तो उसे यह पसंद आएगा। कोने में एक टेबल होगा और दीवार पर अलमारियां होंगी। कूल आइडिया। अब यहाँ पर मेरा कलेक्शन रहेगा। और लाइट। लैंपों की एक जोड़ी मेरे घर में आराम और गर्मी पैदा करेगी। मेरी समझ से इसे डिजाइन करते हैं। ऐसे घर में एक कप कॉफी पीना अच्छा लगेगा। हो, सभी ने अपने घरों को सजा लिया है, लेकिन मैंने अभी तक नहीं किया है। मुझे तुरंत ठीक करना होगा। मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ जो अभी तक वेंसडे और केन ने नहीं किया है? आइडिया, मुझे इस फ्लफी गुलाबी कालीन की जरूरत होगी। जब उन्हें पता चलेगा कि मैंने क्या किया है तो वे दंग रह जाएंगे। कैंची के साथ कुछ चालें और दीवारें इन शानदार धारियों के साथ चमकेंगी। हाँ, मैं एक अच्छी डिजाइन बनाऊंगी। तैयार। देखो वे कितने सुंदर दिख रहे हैं। ओके, प्लीज मेरे लिए टेबल ले आओ। हाँ, क्यों नहीं बार्बी, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ओह, कितना मुश्किल है। ओह, बहुत बहुत धन्यवाद। शाबाश। ओह, इसकी जरूरत नहीं है। चलो, मेरे घर का मुख्य सजावट यह आईना होगा। हेलो सुंदर लड़की। ओह केन, तुम यहाँ हो। कोने में इस कैबिनेट को रख दो। मैं समझ गया, मैंने इसमें लगभग डाल दिया। यह ठीक है ना? बिल्कुल सही मेरे दोस्त। और यहाँ दिल के रूप में एक कालीन है। बैठने के लिए इसे और अधिक आरामदायक बनाने के लिए मेरा गुलाबी कुर्सी होगा। वाह, ये कितना प्यारा निकला। मैं खुश हूँ। और तुम, ये अलमारियों पर चीजों को रखने का समय है। और टेबल पर मेकअप के सामान। वाह, कितना बढ़िया है। और यदि हम लाइट ऑन करते हैं तो ये और भी कूल हो जाएगा। अब हम अपने दोस्तों को बुला सकते हैं और पार्टी कर सकते हैं। हाँ, इतनी स्वादिष्ट गंध कहाँ से आ रही है? मैं अभी इसका पता लगाती हूँ। ला 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 ला। ओह, यह क्या है? वाओ, केन बारबेक्यू बना रहा है। हुर्रे, यह लगभग हो चुका है। हम इसे पलट सकते हैं। ओह, हेलो बार्बी। हाय, यहाँ आओ। सच में? ओह, धन्यवाद। खुशी के साथ। यह बर्गर तुम्हारे लिए है। लो इसे मजे से खाओ। धन्यवाद। वेंसडे, तुम भी मेरे घर आ सकती हो। नहीं धन्यवाद। क्या ठीक? आह, ठीक है, तुम्हें लोगों को राजी करना आता है। हुरे, पड़ोसियों की पार्टी। यहाँ तुम्हारा बर्गर है। यह बहुत स्वादिष्ट है। मैंने अपनी पूरी कोशिश की। कैसा लगा? धन्यवाद, यह वास्तव में स्वादिष्ट है। वाह, बॉन एपेटिट लड़कियों। ऐसा लगता है कि क्वेंटिन ने पेंटिंग के साथ शुरुआत करने का फैसला किया है। लग रहा है कि उसका काम बढ़िया चल रहा है। बढ़िया क्वेंटिन। ओह, ऐसा करना बहुत मजेदार है। ओह क्वेंटिन, पेंट तुम्हारे चेहरे पर लग गया है, लेकिन इससे उसके काम पर कोई असर नहीं पड़ा।
काम, इसके उल्टे उसने अपने काम को पूरे जोश खरोश के साथ करने का फैसला किया है। यह अच्छा दिख रहा है। और मेरी का कैसा चल रहा है? हाँ, अगर आप नेल पॉलिश से पेंट करते तो कम से कम बुढ़ापे तक तो खत्म हो ही जाएगा। लगता है मेरी को भी इस बात का अंदाजा लग गया है, या फिर उसे क्विंटन से प्रेरणा मिली है जिसने अपनी पेंटिंग खत्म कर ली है। मैरी में न केवल कंपटीशन की भावना है बल्कि उसके पास कुछ आइडिया भी है। ऐसा लगता है कि उसने नरम गुलाबी कपड़े से घर को सजाने का फैसला किया है। एकदम ओरिजिनल और बहुत नरम, ये बिल्कुल बादल की तरह है। लगता है क्विंटन ने सफेद रंग की बूंदों के साथ नीले रंग को थोड़ा हल्का करने का फैसला किया है। इसे देखो, ओह, पर कुछ गड़बड़ हो गया है। वो सीधे जाकर मेरी के चेहरे पर लगा और वेंसडे पर भी। ओह, अब वो उसे छोड़ेगी नहीं। क्विंटन, अपने आप को बचाओ, एक खौफनाक हाथ तुम्हारा पीछा कर रहा है। फ्यूह, अपनी अच्छी किस्मत की वजह से वो छत पर छिपने में कामयाब रहा। मुश्किल परिस्थितियों में अपने को बचाना और घर की पेंटिंग खत्म करने की खुशी में मल्टीडू फ्लैग लहराना एक अच्छा कारण है। ऐसा लगता है कि क्विंटन को अपना घर उतना पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन उसके पास एक अच्छा आइडिया है। वह सफेद पेंट कर रहा है। पता नहीं वह क्या कर रहा है। अरे, ये फुटबॉल है, एकदम ओरिजिनल। बहुत अच्छा किया क्विंटन, बढ़िया काम। पता नहीं मेरी डिस्क के साथ क्या कर रही है, हम अभी पता लगाएंगे। ओ हाँ, उसने छत को उससे सजाया है। यह बहुत ही अलग सा और स्टाइलिश दिख रहा है। अरे सावधान रहो मेरी। हाँ, छत सुंदर है लेकिन बहुत फिसलन है। अब केवल दिल को लगाना ही बाकी है। बहुत रोमांटिक। ऐसा लगता है कि क्विंटन ने भी छत को सजाने का फैसला किया है, लेकिन स्टिकर के साथ। तो दूसरी खिड़की के बारे में क्या सोचा है? ऐसा लगता है कि बास्केटबॉल के साथ यहाँ किसी चीज की कमी है। क्विंटन के पास एक समाधान है, एक बास्केटबॉल हूप। यह बहुत अच्छा और बहुत स्पोर्टी लग रहा है, लेकिन असली बॉल के साथ खेलना ज्यादा मजेदार है। ओ, यह बेस्ट थ्रो नहीं था। ऐसा लगता है कि वेंसडे को वास्तव में स्पोर्ट्स पसंद नहीं है। वेंसडे ने भी घर की देखभाल करने का फैसला किया है। हाँ, उतना चमकीला रंग नहीं बल्कि उसके अपने स्टाइल में। और हाँ, खिड़कियों पर बार्स के बिना कैसे काम चलेगा? लगता है कि थिंग तलवार लेकर आया है। पता नहीं उसे उसकी क्या जरूरत पड़ी। हाँ, केवल वेंसडे ही छत को इस तरह सजा सकती है। लगता है उसके पास एक और आइडिया है। हाँ, थोड़ी डरावनी आंखें भी इस घर को सूट करेंगी। खैर, ऐसा लगता है कि सभी घर अच्छे से तैयार हो गए हैं और इसका मतलब है कि हम आगे बढ़ रहे हैं और अब यार्ड का ख्याल रखने की बारी है। वेंसडे ने भाले और चमगादड़ के डेकोरेशन से शुरुआत करने का फैसला किया है। देखो, खैर, यह अपने तरीके से सुंदर है। और थिंग की मदद के बिना कैसे काम चलेगा, है ना? सबसे अच्छी मददगार। और पौधों के बिना कैसे काम चलेगा, लेकिन आपने नहीं सोचा होगा कि वह इसे ऐसे ही छोड़ देगी, है ना? बिल्कुल नहीं। यह आंखों के रूप में डरावनी डेकोरेशन के बिना काम नहीं चल सकता है। और उसे फावड़ा और हड्डियों की जरूरत क्यों है? क्या वह उसे उगा रही है? क्या? बहुत दिलचस्प। क्या उसे पानी भी दे रही है? मुझे तो सोच के भी डर लग रहा है कि आगे क्या होने वाला है। अरे बाप रे, हाथ जमीन से बाहर निकल रहे हैं। और कॉफिन के रूप में मेलबॉक्स भी यहाँ अच्छा रहेगा, है ना? हाँ, वेंसडे का अपना स्टाइल है, डरावना पर स्टाइलिश। क्विंटन ने अपने यार्ड को एक स्टिक के साथ सजाने का फैसला किया है। बहुत स्पोर्टी। और लॉन पेंटिंग इस घर को और अधिक स्पोर्टी बना देगी। क्या आपको समझ नहीं आया? अभी आप खुद ही सब कुछ समझ जाएंगे। देखिए, ये एक असली फुटबॉल मार्किंग है। ऐसा लगता है कि क्विंटन को यह सब पूरा नहीं लग रहा है और उसने गेट लगाने का फैसला किया है। तो
तो अपने नए यार्ड को आजमाना जरूरी है। यह हुआ गोल। शाबाश क्विंटन, बधाई हो। उफ, उसका पैर किसी चीज से टकरा गया है। यह एक छोटा बर्तन लगता है, डस्टबिन की तरह, लेकिन क्विंटन की क्रिएटिविटी के साथ वह आसानी से मेढक के रूप में एक बढ़िया मेल बॉक्स में बदल सकता है। देखो, और मैरी का क्या चल रहा है? मैरी ने मेल बॉक्स से शुरुआत करने का फैसला किया है, लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं है। वह इसे सजाएगी और इसे हंस के रूप में बनाएगी। कितना क्रिएटिव और सुंदर। सॉफ्ट टॉय हगी वगी के बिना यहाँ काम कैसे चलेगा? और एक पौधे के बजाय एक गुलाबी दिल, और साथ ही डेकोरेशन के रूप में एक गुलाबी फ्लैग पोल और गुलाबी दिल होगा। देखो कितना सुंदर लग रहा है। और लॉन में एक कंबल बिछा सकते हैं और खुशी के साथ उस पर समय बिता सकते हैं। और थोड़ा तकिया लगा दिया और आराम करें। केवल एक चीज जो इस आराम में खलल डाल सकता है वह है क्विंटन, जो बॉल को उछाल कर खेल रहा है। ओह, लगता है पड़ोसियों के बीच तू-तू मैं-मैं हो गई है। लेकिन वेंसडे को कोई परवाह नहीं है, वह अपने दुनिया में खोई हुई है। यह तब और भी सुविधाजनक हो जाता है जब आपके पास एक हाथ होता है जो आपको कॉकटेल लाकर देता है। तो यह घर के इंटीरियर को खत्म करने का समय है। आइए देखें कि वेंसडे क्या करती है। उसने इसे गहरे काले रंग से पेंट करके शुरू करने का फैसला किया है। यह डरावना लग रहा है, इसलिए यह वेंसडे के लिए एकदम सही है। अब चमगादड़, हड्डियों और मकड़ियों के रूप में थोड़ी सजावट। हाँ, यह सही है। देखो, हाथ का भी अपना घर है। कितना प्यारा है। मतलब डरावना। वेंसडे ने फर्नीचर बनाने का फैसला किया। एक पुराने लालटेन और पौधों के साथ खोपड़ी से सजाए गए टायरों से बनी एक टेबल और एक पुराने कैंडलस्टिक के साथ एक और टेबल। और यहाँ लाइट्स की एक माला और मकड़ी के जाल के बिना तो डेकोरेशन असंभव है। इसे जरा देखो, यहाँ मकड़ी भी सही रहेगा। और फ्यूचर बताने वाली बॉल के बिना इस जगह की कल्पना करना कठिन है। उसके पास दोस्तों के साथ बातचीत करने का एक दिलचस्प तरीका है ना? और क्विंटन का क्या चल रहा है? उसने भी पेंटिंग से शुरुआत की और मुझे उसके काम पर कोई शक नहीं है, लेकिन चलो देखते हैं वो क्या करता है। उसने स्टिकर लगाने का फैसला किया है और इस ग्लू के साथ लेगो को भी लगाया है। जरा इसे देखो। वाह! और अब वो सोच रहा है कि आगे क्या किया जा सकता है। और एक बड़े से लेगो मैन को भी वहां रखा है। वाह! देखो यह कितना अलग सा और सुविधाजनक है। उसने चार्जिंग और हेडफोन के लिए लेगो से एक हैंगर बनाया। यह बहुत सुंदर और क्रिएटिव निकला। लेकिन बाकी डिटेल्स का क्या करें? उन्हें लेगो मैन के साथ एक फ्रेम में करने की जरूरत है। यह एक बढ़िया स्टोरेज है। बढ़िया। इसके अलावा क्विंटन ने कुछ माइनक्राफ्ट जोड़ने का फैसला किया और दीवार पर कुल्हाड़ियों को लटका दिया और कोने में डायनामाइट भी रखा है। हाँ, पर कुछ गायब है। बिल्कुल सही, एक ऑटोमन और कंसोल अपने फेवरेट माइनक्राफ्ट को खेलने के लिए। क्विंटन, तुम्हें लग नहीं रहा क्या थोड़ा अंधेरा हो रहा है?
और अच्छी बात है कि क्विंटन के पास स्केट के रूप में एक झूमर है। यह अद्भुत लग रहा है। बस इसे फिक्स किया और यहाँ लगा दिया। जरा इसे देखो, कितना ज्यादा रोशनी और कितना क्रिएटिव। और मैरी कैसे कर रही है? यह उसके घर को सजाने का भी समय है। मैरी ने इसे गुलाबी रंग से रंगना शुरू किया है। बढ़िया। थोड़ा ग्लैमरस सजावट के बारे में क्या ख्याल है? लग रहा है कि मैरी को अपना काम बहुत पसंद आ रहा है। हाँ, क्यों नहीं, पर वो थोड़ी थक गई है, लेकिन इसे थोड़ा और सजाना है। एक ग्लैमरस सजावट जो मैंने पहले कभी नहीं देखा है, और एक फ्लफी कालीन, बहुत बढ़िया। लेकिन इसे एक कदम आगे बढ़कर हम एक फ्लफी आईना बना सकते हैं। ऐसा शानदार घर एक अलमारी के बिना तो नहीं हो सकता है। लेकिन ऐसा लगता है कि ये सब खत्म नहीं हुआ है। और मैरी के पास एक आइडिया है। एक यूनिकॉर्न का पोस्टर दीवार के लिए एक शानदार सजावट होगी। और यहाँ एक मिनी स्टूप के बिना काम कैसे चलेगा? और एक माला अच्छा फिनिशिंग टच होगा। वाओ, वाह, देखो मैरी ने रेनोवेशन खत्म करने का जश्न मनाने के लिए पहले ही कुकीज बना ली है। उसने अपनी हगी वगी के साथ एक टी पार्टी करने का फैसला किया है। मुझे लगता है कि वे अपने छोटे हिस्से को देखकर ज्यादा परेशान नहीं होंगे। अब मैं इनके लिए अच्छी पार्टी की व्यवस्था करूंगी। लो, तुम लोग चाय पियो। हाँ, देखो कितना अच्छा है, कितना स्वादिष्ट। सभी को फिर से नमस्कार। आइए आपको बताते हैं खेल के नियम। लोग बक्सों में छिप जाते हैं और मैं उन्हें अपने औजारों से ढूंढूंगी। मुझे यकीन है कोई भी मुझे कभी नहीं ढूंढ पाएगा। मैं अच्छी तरह से छुपी हुई हूँ। मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं पकड़ा भी जाऊँ तो भी मैं ऐसे हार नहीं मानूंगा। मैं कितनी डरी हुई हूँ। मुझे सुनने की जरूरत है कि वहाँ क्या हो रहा है। ओह, लेकिन मैं एक छेद बनाकर देख सकती हूँ। बढ़िया, अब मैं थोड़ा शांत हो गई हूँ। मैं नियंत्रण में हूँ। मैं एक लक्ष्य की तलाश में हूँ। मैं एक लक्ष्य की तलाश में हूँ। मुझे आंखों की मूवमेंट दिखाई दे रही है। मैं लक्ष्य पर जा रही हूँ। अरे नहीं, वो मुझे देख ली है। मुझे छेद नहीं बनाना चाहिए था। आंख की मूवमेंट नहीं दिख रही, लक्ष्य खो गया। मैं इस बॉक्स को चेक करने की कोशिश करती हूँ। मैं इसे प्लंजर के साथ पकड़ती हूँ और जांचना शुरू करती हूँ। बस ये लो। अगर वहाँ कोई है तो वह ज्यादा देर अंदर नहीं रह पाएगा। मैं पूरे मन से बॉक्स पर कूद रही हूँ। ऐसा लगता है कि मैं भाग्यशाली थी, उसने अभी भी मुझे ढूंढा नहीं। मैं इस बॉक्स के स्थान पर नहीं रहना चाहूंगी। मैं चुपचाप बैठूंगी चूहे की तरह। हिलो या सांस मत लो, मैं बहुत डरी हुई हूँ। बॉक्स नष्ट हो गया है, वह खाली है। मैंने लक्ष्य के साथ गलती की है। मुझे खोज जारी रखनी होगी। खैर, यह और भी दिलचस्प है। दूसरे टेस्ट के लिए सबसे अच्छा टूल चुनने का समय आ गया है। इस बार मैं वाटर गन चुनूंगी। यह मेरे रंग से पूरी तरह मेल खाता है। नहीं, ऐसा लगता है कि मैं असफल होने के करीब हूँ। मुझे वास्तव में घबराहट हो रही है। ओह, वो बंदूक की आवाज है। पिछली बार मैं भाग्यशाली थी। मुझे उम्मीद है इस बार भी भाग्य मेरा साथ देगी। अरे नहीं, यह हथियार है। बचकाना खेल करना बंद करो। इस बार मैं गंभीर हूँ। एक लक्ष्य की तलाश में हलचल की जांच। हाँ, यह बॉक्स हिल रहा है। वह वही है जो मुझे चाहिए। मैं शूट करने वाली हूँ। मैंने तुम्हें पकड़ लिया। नहीं, ओ नहीं, उसने मुझे ढूंढ लिया। तुम हार गई। हाथ ऊपर, कृपया गोली मत चलाओ। ये खेल के नियम है। एक प्रतियोगी कम, मैं बहुत अच्छी हूँ। अधिक गंभीर हथियार चुनने का समय आ गया है। शायद डायनामाइट? नहीं, मैं कुछ और ढूंढती हूँ। वाटर बलून? बिल्कुल नहीं, हम खोज जारी रखते हैं। हाँ, लेजर चश्मा सुपर है, इसी की जरूरत है। उन्हें लगाने का समय आ गया है। मुझे यकीन है मुझे सूट करेगी। ओ हाँ, वे बहुत अच्छे हैं। इसे चालू करते हैं और अब शिकार पर चलते हैं। अरे, कुछ काम नहीं कर रहा। चलो चलो, लेजर इतना मजबूत क्यों है? इसे नियंत्रित नहीं कर सकती। ओ, मुझे लगता है मैंने बहुत से बक्सों में आग लगा दी है। खैर, ये मेरे लिए अच्छा है। मुझे लगता है कुछ जलने की महक आ रही है। देखने की जरूरत है क्या हो रहा है। कितना बुरा, उसके पास लेजर चश्मा है।
ठीक है, ये डब्बे खाली हैं, तलाश जारी रखना होगा। अरे नहीं, वो मेरी ओर आ रही है, तत्काल कुछ सोचने की जरूरत है। हाँ, मेरे पास एक विचार है, मैं बचाव दल को बुलाऊंगा, वे मुझे बाहर निकाल देंगे। दोस्तों चुप मत रहो, मैं वास्तव में तुम्हें देखना चाहती हूँ। ऐसा लगता है कि इस डब्बे में कोई है। अरे नहीं, सिग्नल नहीं मिल रहा है। लूसी हाय, क्या हाल है? मेरी मदद करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या तुम मुझे सुन सकते हो? मैं एक बॉक्स में हूँ। मुझे नहीं लगता तुम्हें इस तरह चीखना चाहिए। लेकिन क्यों नहीं? मुझे माफ करना लूसी, लेकिन मुझे तुमसे छुटकारा पाना होगा ताकि मैं खेल से बाहर ना हो जाऊँ। ओ नहीं, कोई मुझे कॉल कर रहा है। मैं क्या सुन रही हूँ? फोन कॉल, मैं आ रही हूँ। मुझे लगता है कि आवाज यहाँ से आ रही थी। अब देखते हैं क्या मैं सही हूँ। हाय, तुम्हें देखकर खुशी हुई। हाय लूसी, मैं तुम्हें बहुत देर से ढूंढ रही थी। नया दौर, नया हथियार। इस बार मैंने एक हथौड़ा चुना है। कितना दर्दनाक, मैंने अपनी उंगली काट ली। बॉक्स हिल रहा है, ऐसा लगता है मेरे पास एक नया लक्ष्य है। बढ़िया शुरुआत। अरे नहीं, उसने मुझे देख लिया, वो मेरी तरफ आ रही है। मैं आ गई हूँ, मेरे अनुमान का परीक्षण करने का समय है। मुझे तुरंत दौड़ने की जरूरत है। अरे, मैंने बॉक्स में एक छेद बना दिया, मेरे बचने का यही एकमात्र उपाय है। पकड़ लिया। हाहा, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। अजीब, ये बॉक्स खाली है, लेकिन मैंने उसे हिलते हुए देखा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, शायद मैं गलत थी। मुझे और जांच करने की जरूरत है। मैं एक चमत्कार से बच गई, लगता है आज किस्मत मेरे साथ है। इससे पहले कि वो मुझे नोटिस करे, मुझे तुरंत एक नया बॉक्स चुनना होगा। यह सही फिट बैठता है, मैंने इसे खोल दिया। बहुत अच्छा, अब मैं आराम कर सकती हूँ। कितना बढ़िया, आखिरकार मैं सांस ले सकती हूँ। ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ कोई और भी है। ओह हेलो, माफ करना, मुझे नहीं पता था कि यहाँ कोई पहले से है। बम या केक? केक या बम? मुझे लगता है कि चुनाव स्पष्ट है। इस बार मैं बड़ा खेलूंगी। मोशन सेंसर चालू, लक्ष्य की तलाश में। अरे थोड़ा हटो, हमें साथ काम करना होगा, नहीं तो हम दोनों पकड़े जाएंगे। यहाँ मूवमेंट है, मुझे लक्ष्य दिखाई दे रहा है। अब मुझे पता है कि बम कहाँ लगाना है। यह क्या है? ओ नहीं, ये टाइम बम है। तुम्हारी वजह से हम ढूंढे गए, हम मर जाएंगे। लगता है कि मैं सही थी, एक साथ दो लोग पकड़े गए, यह अच्छा हुआ। हम हार गए। यह क्या था? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि हम फिर से छुप जाएं। चलो अपनी पूरी ताकत से दौड़ें। कोई फायदा नहीं, मैं तुम लोगों को ढूंढ कर ही रहूंगी। हम कहाँ हैं? लगता है हम दूर आ गए हैं। चलो जितनी जल्दी हो सके छिप जाओ, वो यहाँ आ रही होगी। मैं यहाँ खड़ा रहूंगी, मुझे आशा है कोई मुझे देख नहीं पाएगा। कोई मुझे चढ़ने में मदद करो, मैं ऊपर नहीं जा पा रहा हूँ। माफ करना, लेकिन मेरे पास समय नहीं है, मैं अभी तक छुप नहीं पाया हूँ। बेकार फूल, मैं इसके नीचे छिप नहीं सकता, क्या करूँ? अब तो मैं गया। वाह, ब्रश और पेंट, यह मेरे लिए उपयोगी हो सकता है। दोस्तों यहाँ आओ, मेरे पास एक आइडिया है, हम इसे एक बेस के रूप में उपयोग कर सकते हैं। बढ़िया आइडिया, टेरी तुम महान हो। हम फर्नीचर से मेल खाने के लिए खुद को पेंट करेंगे, और फिर कोई हमें कभी नहीं ढूंढ पाएगा। अरे हाँ, हम बस फर्नीचर में मिल जाएंगे। दोस्तों हेलो, क्या तुमने मुझे मिस किया? मैं अब आ गई हूँ, मैं जल्दी तुम्हें देखना चाहती हूँ। यह अजीब है, ऐसा लगता है कि कमरा खाली है, लेकिन